भगवान की हमेशा तुम पर विशेष कृपा रही, पर तुमने उनकी शरण में जाने से हमेशा इनकार किया। पर अब भगवान क्रोधित हो गए हैं और उनकी क्रोध की अग्नि किसी पर भी बरस सकती है, फिर चाहे वो तुम हो, तुम्हारी माँ या फिर तुम्हारी बहन। चूड़ियाँ अगर भगवान बना सकते हैं तो उन्हें तोड़ भी सकते हैं। अगर तेरी वजह से रुनझुन की शादी में रुकावट आई तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शिव, देखो ना, मैं बाती बना रही हूँ पर मुझसे बनी नहीं रही। रुनझुन की शादी है, मुझे दिया बनाना है क्योंकि दिया तो शुभ होता है ना, पर मुझसे बनी नहीं रहा। देखो क्या कर रही हो, मुझे देखो। ओके हो गया दिया तैयार। बस इतनी सी बात के लिए इतना घबरा रही थी तुम? अरे मुझे कह देती मैं एक मिनट में 10 तैयार कर दूं। ये देखो, अरे ये तो 2 मिनट का खेल है। क्या हुआ? पता नहीं शिव, मुझे बहुत टेंशन हो रही। कल रुनझुन की शादी है, सब कुछ ठीक होगा ना? अगर कुछ आस्था आस्था कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं जानता हूं तुम्हारी बहन की शादी है, पर मेरे भाई की भी तो शादी है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है, तुम पहले लड़के वालों की तरफ से, फिर लड़की वालों की तरफ से। देखो मैं जानता हूं कि लड़की की फैमिली को हमेशा स्ट्रेस होता है, पर कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। भरोसा है ना मुझ पे? तुम मुझ पे भरोसा करो, कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा। आई प्रॉमिस। जय मां दुर्गे। जय मां दुर्गे। Thank you.
आस्था की शादी पे तो कितना कुछ किया था और मेरी शादी में गरीबों वाला डेकोरेशन। प्रणाम। खुश रहो बेटा। So, nervous? थोड़ा बहुत। शारदा जी, हम सब बहुत आभारी हैं आपके। आपने अपनी दोनों बेटियों की शादी यहाँ हमारे इसी घर में होने दी। हमारा सौभाग्य। आस्था की तरह सब कुछ करना था, उसकी शादी में जो डेकोरेशन हुआ था वैसा ही डेकोरेशन करना चाहिए था। लग ही नहीं रहा है कि आज कोई शादी है। पलवान और गुरुमा नहीं दिखाई दे रहे? पलवान तो अपनी भाभी के साथ ही होगा। और गुरुमा बस आती होंगी। ये देखिए आगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। जय माँ दुर्गे। जीते रहो। अगर तेरी वजह से रुनझुन की शादी में रुकावट आई तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पलवान भाई, आपका सेवा। वाओ, अच्छा है ना? काफी अच्छा सेहरा लाया है। बलवान, ये तुम्हारी अपनी शादी है तो शादी भूलकर घर का काम मत करने लग जाना हो। शादी वाले दिन अक्सर दूल्हा और दुल्हन को नजर लग जाती है, इसलिए शादी होने तक उन दोनों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। रुनझुन बिटिया को तो हम घर में रख लेंगे, पर तुम भी ध्यान रखना, घर से बाहर मत जाना। पता है ना, 5:50 से लेकर शाम के 6 बजे तक ही शादी का मुहूर्त है और इन 10 मिनटों में शादी हर हाल में हो जानी चाहिए, अन्यथा आने वाले 3 महीनों में शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए तुम दोनों को आज घर से बाहर नहीं जाना। क्यों बलवान, समझ गए ना? जी गुरु। शारदा जी आइए, मैं आपको सभी तैयारियां दिखा देती हूँ। चलिए आइए। चलिए, आपको मेरे साथ आना है। और मैं अभी बलवान को रेडी करने में हेल्प कर देता हूँ। हाँ हाँ, ले जाओ। चल मैं भी आता हूँ। आ जा। जैसे कहा ठीक वैसा ही होगा ना? गुरुमा, अब आप क्या करने वाली हैं? आस्था, पहले तुमने मेरे भगवान पे शक किया और अब अपने गुरुमा पे कर रहे हो। माफ करना गुरुमा, पर आपने जो मुझे आस्तिक बनाने के लिए किया, बस मेरी बहन की शादी में। बस आस्था, तुम्हारे शब्द मेरी मान मर्यादा से ऊपर जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन की बदनामी को बचाने के लिए ही मैंने ये रिश्ता तय किया था। सोचो, अगर मुझे ये रिश्ता तोड़वाना ही होता तो इसे जोड़ती ही क्यों? और एक बात, मैं गुरु माँ हूँ,
मेरा आदेश ही काफी है। दूसरा या तीसरा तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती गुरु माँ को। मैं गुरु माँ के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हूँ। सही तो कह रही है वो, अगर उन्हें ये रिश्ता तोड़ना ही होता वो ये रिश्ता जोड़ती क्यों? और शिव ने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि वो इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देंगे, तो मुझे इतना सोचना बंद कर देना चाहिए और अपनी बहन की शादी को एंजॉय करना चाहिए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।